एक 3 मार्क का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि 9 चैप्टर यानी कि 6th यूनिट का है। इसे सोल्व करते हैं। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के साथ संपर्क में रखा जाता है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र और क्षमता का सूत्र याद होना चाहिए। तो हम साइड में लिख लेते हैं। फोकस दूरी का सूत्र जो होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। इससे हमें f की वैल्यू मिलेगी। और जो क्षमता का सूत्र होता है लेंस की क्षमता का सूत्र p बराबर होता है 1/f। ओके, ये होता है डायोप्टर में और f जो होता है वो मीटर में होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है इस साइड। ठीक है, दो फोकस होते हैं इसमें, तो इस साइड के फोकस को हम मानते हैं। तो ये इसका मुख्य फोकस होता है, तो ये धनात्मक है। और अवतल लेंस जो होता है उसका फोकस होता है इस दिशा में होता है, मतलब कि साइन कन्वेंशन के हिसाब से उत्तल लेंस का फोकस जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा और अवतल लेंस का फोकस जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव, इधर का जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो हम लिखेंगे क्या क्या अपने को गिवन है, दिया है f1 = +20 सेंटीमीटर, जो उत्तल लेंस की दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है उसके साथ कौन सा लेंस है, अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो f2 = हो गया -का 25 सेंटीमीटर। सूत्र रखेंगे संयोग की फोकस दूरी का, संयोग की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। वैल्यू पुट करेंगे 1/f = 1/20 + 1/-25। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1/f = हमें मिलेगा, हाँ एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। एलसीएम जो कि हम देखेंगे कि एलसीएम क्या आता है हमारे सामने, -20 और 25। तो इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 100 हमें मिलेगा। ठीक है, 100 में जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा। फिर -25 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। तो 1/f = बनेगा 1/100। ओके, ये आंसर जो मिल रहा है हमें वो सेंटीमीटर में मिल रहा है। अब हमें निकालना क्षमता, p = 1/f होता है। ठीक है, ये मीटर में होता है, तो जब ये मीटर में होता है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। f की वैल्यू यहाँ पे क्या है, f की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, या f की वैल्यू जो है 100 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर। तो 1 मीटर में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो p = 1/f की वैल्यू कितनी मिली, 1 = 1। तो हमारा जो आंसर आ रहा है p = 1 डायोप्टर, लास्ट आंसर हमें प्राप्त होगा।